बॉलीवुड में कई ऐसे कपल्स हैं जो डिवोर्स लेकर अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी वे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। इस लिस्ट में ऋतिक रोशन, सुजैन खान, मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान जैसे स्टार्स के नाम शामिल है। अलग होने के बाद भी ये है अच्छे दोस्त। जी हाँ, सुजैन खान हाल ही में ऋतिक रोशन की बहन सुनैना खान के बर्थडे में शामिल हुई। ऋतिक और सुजैन एक बार इस पार्टी में साथ आए, लेकिन ये पहले कपल नहीं है जो अलग होने के बाद भी एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। परिवार के खातिर और भी कपल है जो समय समय पर साथ नजर आते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। फरहान अख्तर और अधुना बबानी भी इस लिस्ट में शामिल है। यहाँ देखिए ऐसे ही और भी बॉलीवुड कपल्स जो आज भी है अच्छे दोस्त। सबसे पहले बात करेंगे ऋतिक रोशन और सुजैन खान की। जी हाँ, सुजैन खान अक्सर ही ऋतिक रोशन के साथ परिवार के फंक्शंस में नजर आती है। यहाँ तक कि कोरोना टाइम में बच्चों के खाते सुजैन अलग होने के बाद भी ऋतिक रोशन के घर में आकर रह रही थी। फिर बात करेंगे अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की। जी हाँ, अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का रिश्ता भी अभी तक बना हुआ है। बेटे अरहान खान की खातिर दोनों एक साथ पिछले दिनों आउटिंग करते भी नजर आए थे। फिर बात करेंगे फरहान अख्तर और अधुना भबानी की। जी हाँ, फरहान अख्तर और अधुना भबानी तलाक के बाद भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों के बच्चों का पालन पोषण भी दोनों मिलकर करते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। फिर बात करेंगे अनुराग कश्यप और कल्कि केलका की। जी हाँ, अनुराग कश्यप और कल्कि एक दूसरे से भले ही अलग हो, लेकिन कल्कि ने कई बार कहा है कि अनुराग उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि कल्कि को जब उनके बॉयफ्रेंड से बच्चा होने वाला था, तब कल्कि को प्रेगनेंसी के दौरान अनुराग पूछते रहते थे। फिर बात करेंगे आमिर खान और किरण राव की। जी हाँ, आमिर खान और किरण राव ने तो अलग होने के समय ही बोल दिया था कि वह भले ही उनकी राहें अलग हो रही है, लेकिन अभी भी वे एक परिवार की तरह है और रहेंगे। फिर बात करेंगे कोंकणा सेन शर्मा और रणवीर शोरे की। जी हाँ, कोंकणा सेन शर्मा ने रणवीर शोरे से एक अरसे के बाद तलाक का ऐलान कर दिया था, लेकिन दोनों के रिश्तों में कोई खटास वाली बात नहीं आई। दोनों ने आपसी सहमति के साथ आराम से अलग होने का फैसला किया था।